हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। सो ये जो की है ये अपने पास यामा R5 वर्जन 4 के ब्लू कलर की है। तो आज जो इसका एक पूरा डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या कुछ जो है फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते एंड क्या फीचर्स जो है यहाँ पे आपको R5 में मिलते हैं और जो इसमें नहीं मिलते उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस वो तो आपको जो है बता ही दूंगा। तो चलिए सभी स्टार्ट कर लेते हैं, लेक्चर साउंड भी आपको सुना दूंगा लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। उससे पहले जो है ऑन कर लेते हैं हमेशा की तरह, ताकि आपको फ्रंट का जो है पूरा व्यू अच्छे से मिल जाए। तभी जो मैंने ऑन कर दिया की, तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से। फ्रंट में जो है इस आपको काफ़ी सही है, ब्लू कलर में पूरा आपको व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है देखने में काफ़ी सही लग रही है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो LED प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि हाई बीम लो बीम जो है एक ही प्रोजेक्टर में है। जैसे MT15 वगैरह में तो वैसे ही जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पे आपको LED DRLs देखने को मिल जाएगी, जो R7 में है ना बिल्कुल वैसा ही लुक आपको फ्रंट से मिलेगा। R7 में क्या है, आपको थोड़ा सा बड़ा लुक मिलेगा, में जो बड़ा साइज में जो पूरा फ्रंट मिलेगा एंड जो इसका प्रोजेक्टर ही भी थोड़ा सा बड़ा मिलता है। तो वो सीन है, बाकी जो है बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, कोई फर्क यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको स्टिकिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी बड़ा जो है वाइजर या जो साइड मिरर्स आपको मिल जाएंगे, जो पहले मिलते थे सेम वैसे ही। साइड में जो है USD सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं येलो गोल्डन कलर में। ABS की यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाएगी, ब्लू कलर में जो है आपको डार्क ब्लू में मडगार्ड देखने मिल जाता है। यहाँ पे जो है यामा की आपको स्टिकरिंग देखने मिल जाएगी। हैंडल सेक्शन का जो है फ्रंट में MRF के जो है टायर यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है इस आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ABS आपको मिल जाएगा फ्रंट में भी और रियर में भी डुअल चैनल ABS आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो है इस आपको गोल्डन कलर के नहीं ब्लैक कलर के जो है ब्रेक कैलिपर्स देखने मिलेंगे। ट्यूबलेस टायर्स हैं तो काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस तो देंगे ही, उसी के साथ में जो आपको कोई डर भी नहीं होगा, पंचर वगैरह हो गया तो खुद से ही पंचर बनाओ और कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। चलिए भी चल लेते हैं साइड प्रोफाइल में। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स आपको हेलोजन देखने मिल जाएंगे, उससे पहले यार हेडलाइट भी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये चेक करो, तो ये है इसकी हेडलाइट, जो कि देखने में काफ़ी सही लग रही है। तो यहाँ पे जो है मेरे को काफ़ी सही लगा इसका फ्रंट का पूरा लुक। अभी जो है बंद कर लेते हैं, बाद में जो एग्जॉस्ट वगैरह भी आपको सुनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे चेक करो, R5 वर्जन 4 की पूरी आपको स्टिकरिंग वगैरह मिलेगी। उसके अलावा जो साइड में हेलोजन इंडिकेटर मैंने आपको दिखाया, पूरा प्लेन डिज़ाइन है, यहाँ पे कोई स्टिकरिंग वगैरह नहीं दी गई है, कोई ग्राफिक्स नहीं दिए यहाँ पे, पर फिर भी जो है देखने में काफ़ी सही लग रही है। यहाँ पे आपको 155 cc का सिंगल सेंटर 4-स्ट्रोक FI लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, जो कि 18.4 PS की पावर देता है और 14.2 Nm का जो है टॉर्क यहाँ पे आपको देगा। उसके अलावा जो नीचे पूरा कुछ ऐसा डिज़ाइन दिया गया है, सो सही है, बट ज़्यादातर क्या है कि यहाँ पे मेटल वगैरह तो यूज होता नहीं है R5 में, यहाँ पे जो आपको प्लास्टिक का ही यूज़ देखने मिलेगा। यहाँ पे जो है इस आपको एल्यूमिनियम ऊपर इसके फुट पैड्स वगैरह देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्रेक आपको देखने मिल जाएगा एंड 6-स्पीड का गेयरबॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है स्लीपर क्लच के साथ में। अभी जो आपको दिखा देता हूँ रियर से, रियर फुटरेस्ट कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो आपको एडजस्ट मिल जाएगा जो कि सेम है एंड साउंड भी ऑलमोस्ट सेम है, तो वो भी मैं आपको सुना देता हूँ पहले। तो यहाँ पे जो आप चेक करो, ये आपको मफलर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बाइक को और सुन लेते हैं इसके एग्जॉस्ट साउंड। सो ये थी गाइस इसके एग्जॉस्ट साउंड, काफ़ी सही साउंड आपको मिलेगी। पीछे की साइड में आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, बिल्कुल पहले जैसा ही है इसका रियर। तो यहाँ पे आपको जो नंबर प्लेट की लाइट देखने को मिल जाएगी, नंबर प्लेट यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे जो आपको टायर हैंगर देखने को मिल जाएगा। पीछे की साइड में जो ऑटो विंग्स की पूरी यहाँ पे स्टिकरिंग लगी हुई है, नंबर आपके सामने है, कॉन्टैक्ट करो, रांची में काफ़ी अच्छा शोरूम है। सबसे पहले जो R5 यहाँ पे आ चुकी है। पीछे की साइड में जो है चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, पीछे भी आपको ABS मिल जाएगा एंड 140 सेक्शन का रियर में भी आपको MRF कंपनी का जो टायर देखने को मिलेगा। रेडियल टायर है, काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगा। जो ग्रिप है वो भी काफ़ी यहाँ पे सही दी गई है, तो यहाँ पे जो है कोई भी कमी मेरे को अभी तक तो लगी नहीं है। बाकी यहाँ पे जो आपको VVA की पूरी स्टिकरिंग, इधर भी पूरा ब्लू कलर का यूज़, मेटेलिक ब्लू। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी, जिसका काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। मैं जो कंफर्ट है वो राइडर के लिए तो अच्छा है, बट पिलियन के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट मेनली जो है राइडर के लिए ही बनी है ये बाइक। यहाँ पे साइड गार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा जो पूरा आप चेक कर सकते हो। चेन जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ये चेक करो, फुट पैड्स वगैरह सेम है पहले वाली। यहाँ पे जो है इस आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा, टीजर में दिखाया गया था कि रेसिंग ब्लू में आपको मिलेगा, बट वो एडिशनल है, आप जो उसको ऐड करवा सकते हो बाद में, उसकी अलग से आपको कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी। बाकी जो 6-स्पीड गेयरबॉक्स आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे वेट वगैरह एयर वगैरह जो प्रेशर वो यहाँ पे दिया गया है, तो वो आप चेक कर लेना। बाकी साइड में से दिखाऊं तो कुछ ऐसी लग रही है, पूरा साइड व्यू जो है कुछ ऐसा काफ़ी सही लग रही है साइड से। अभी चले थे सेंटर कंसोल में, ये जो आपको की मिलती है बेसिक सी, वेव की यहाँ पे नहीं मिलती। आई डोंट नो वेव की क्यों नहीं दी कंपनी ने अभी तक, दे देनी चाहिए थी। ये इसका पूरा ओवरव्यू है, मीन्स जो है काफ़ी अच्छा जो है स्टार्टिंग में दिखाता आपको इंट्रो वगैरह इसमें। तो करते हैं स्टार्ट, सबसे पहले गियर इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है राइडिंग मोड्स वगैरह दिखाएगा, स्ट्रीट मोड वगैरह। उसके अलावा जो है बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, यहाँ पे RPM मिलेगा, यहाँ पे क्लॉक दिखा देगा, यहाँ पे जो कूलेंट वगैरह टेम्परेचर दिखा रहे हैं, यहाँ पे ट्रिप वगैरह दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो आपको पूरा इसका फ्यूल वगैरह शो करेगा। अभी जो है इस यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, एक बटन मिलता है इन्फो और ट्रिप का,
तो यहाँ पे जो है इन्फो और जो है ट्रिप आप देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी जो है क्लिक करता हूँ इन्फो ट्रिप पे, तो ट्रिप पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ट्रिप ए बी वगैरह एफ वगैरह ऐप दिखा रहा है, ऑडोमीटर दिखा रहा है ए बी एफ, तो यहाँ पे शो करेगा। इन्फो पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ट्रैक मोड लग गया है, यहाँ पे जो है आपको एवरेज वगैरह शो करेगा, आई थिंक एवरेज जो है यहाँ पे शो कर रहा है, एंड यहाँ पे जो आपको ओवरऑल एवरेज शो करेगा, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, एंड यहाँ पे जो है बैटरी वोल्टेज शो करेगा, यहाँ पे कूलेंट। सो जो फीचर्स डिफरेंट है वो ये है कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें मिलेगा, वो जो है आपको इसमें भी मिल रहा है, लेकिन इसमें जो है आपको सबसे पहले तो क्विक शिफ्टर मिल रहा है जो कि आपको इस वाले मॉडल में नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के जो है इसके ब्रेक कैलिपर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो जो उसमें आपको गोल्डन के मिलते हैं, तो एक दो जो है डिफरेंसेस हैं उनके बारे में अलग से बात कर लेंगे। सो बाकी गाइस इसके बटन्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको हाई बीम लो बीम एंड पासिंग का स्विच जो है देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर का यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे जो हॉर्न मिल जाएगा आपको, तो हॉर्न भी जो काफ़ी सही है, ड्यूअल हॉर्न आपको मिलता है, यहाँ पे इग्निशन बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हैजार्ड का बटन मिल जाएगा। तो जैसे ही हैजार्ड ऑन करता हूँ तो कुछ ऐसा जो है पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा, तो हैजार्ड जो है अभी इसमें ऐड कर दी गई, आपको अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है। यामा मोटरसाइकिल का नेक्स्ट फीचर जो आपको सभी मॉडल्स में देखने को मिलेगा, तो इसको जो अभी ऑफ कर देते हैं, और नीचे जो है हमें बताया मैंने ट्रिप वगैरह सेट करने के लिए वो जो है बटन दिया गया है। सो ये था गाइस इसका एक ओवरऑल रिव्यू। अभी प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो ये जो वेरिएंट है लगभग जो है 172,000 के करीब जो है एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड आते आते जो है लगभग 212,000 या फिर जो है 210,000 के करीब जाएगा। तो अभी जो मेरे को सजेस्ट करो ये कलर लूँ, ये कलर लूँ, या फिर जो है ब्लैक कलर लूँ, तो वो मेरे को आप जरूर बताओ। बाकी ऐसे कुछ आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।